नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मुजफ्फरनगर के बाद मेरठ के प्रतापपुर स्थित साई कॉलोनी में भूड़ भराल आवास पर पहुंची। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने उपद्रव में मारे गए सभी मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। दौरान पीड़ित परिजनों ने प्रियंका से कहा कि हमें परेशान किया जा रहा है। इसी प्रकार प्रियंका ने कहा कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। रुके 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 जी जी, मौत हुई है जिनका उनकी परिवार की तरफ से बहुत उत्तेजित है कि कम से कम हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली है ताकि हम कुछ कार्रवाई कर पाए। मैं आपको रोका, पुलिस ने FIR भी नहीं करने दी थी, तो FIR की भी कुछ अलाउ नहीं किया है। जी 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 मैम, आपको बाहर रोका भी गया था क्या पुलिस द्वारा इस बार भी? क्या मकसद है, क्या पूरा बताएंगे? ठीक है मैडम, संवेदना व्यक्त करने के लिए आई हैं। जो परिवार है जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति दुख व्यक्त करने के लिए आई है, और इसके अलावा कोई मकसद नहीं। यहाँ पर रोका गया आपको, पिछली बार रोका गया था? ये तो बार बार रास्ते में रोकने का प्रयास करते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं। धारा 144 का आपको नोटिस? धारा 144 का हमने कोई उल्लंघन किया नहीं मैडम, की सिक्योरिटी है, बाकी एक गाड़ी के अंदर हम और मैडम, इसके अलावा कोई नहीं। नोटिस दिया गया था आपको आज भी? नहीं, कोई नोटिस नहीं। ये बताया जा रहा है कि आपको नोटिस? कोई नोटिस नहीं दिया गया अभी। तो क्या बात हुई है अब अंदर, क्या आपके अलग? अंदर कुछ नहीं बात हुई है, अंदर सिर्फ अपने जो परिवार के लोग हैं वो सिर्फ अपने दुख को और दर्द को बयां कर रहे हैं कि किस तरह से पुलिस ने उनको गोली मारी है। कांग्रेस पार्टी क्या कांग्रेस मृतक के परिजन है इनकी हेल्प कर रही है? कांग्रेस पार्टी ही हेल्प कर रही है। कोई घोषणा करी गई है कांग्रेस पार्टी द्वारा? क्या कोई घोषणा करी गई है? नहीं नहीं, कोई घोषणा नहीं है। हम लोग इनकी हर तरह से प्रियंका गांधी जी द्वारा परिवारजनों को वो पत्र जारी करा गया है, उस पत्र में क्या कहा गया है? अगर कुछ भी नहीं कहा गया, उसके अंदर सिर्फ मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना ही तो व्यक्त की गई है। संवेदना व्यक्त करना भी अपराध है। सर, पुलिस प्रशासन जैसे कह रहा है कि हमने कहीं नहीं रोका अभी तक। प्रशासन के कहने से क्या होता है? प्रशासन दिखाई दे रहा है, प्रशासन का रवैया क्या है? प्रशासन के रवैया का क्या है? प्रशासन दिखाई दे रहा है आपको? आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? आप हमसे पूछ रहे हो, आप खुद देख रहे हो। अगर रोकते तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन जो कर रहा है आपको दिखाई दे रहा है। मैंने कब कहा कि रोक रहे हैं? थैंक यू।